हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंग्लैंड वर्सेस ओमान के बीच जो वर्ल्ड कप का 28वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों, एक तरफ है इंग्लैंड की टीम जो कि बहुत ही बुरे स्थिति में है, और अगर इस मुकाबले में हारती है तो फिर इनका क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा, और अगर दोस्तों इस मुकाबले में जीतती है तो थोड़ा बहुत इनका चांस रहेगा। और दूसरी तरफ है दोस्तों, यहाँ पर ओमान की टीम जो कि एलिमिनेट हो चुकी है, और ये दोस्तों इनके लिए एक तरह से देखा जाए तो औपचारिकता वाला मुकाबला रहेगा। तो ये गौर कीजिएगा दोस्तों, ये जो मुकाबला 14 तारीख को खेला जाएगा रात में 12:30 बजे, और ग्राउंड की बात करें तो सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में मुकाबला होगा। और इस ग्राउंड की इतिहास है कि यहाँ पर केवल लो स्कोरिंग मैच होते हैं, और जो पिछले दो मुकाबले इस ग्राउंड पर हुए हैं वो दोस्तों भी ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच नहीं हुए हैं। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड के पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक यहाँ पर टोटल देखा जाए तो 8 मुकाबले हुए हैं इंटरनेशनल के, जिसमें पहले बैटिंग करने वाली टीम 4 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 4 बार। तो यहाँ पर जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले बॉलिंग करने का है निर्णय लेगी, क्योंकि जो वर्ल्ड कप में मुकाबले हुए हैं वो दोस्तों चेस करने वाली टीम जीती है। एवरेज स्कोर मात्र 128 रन का है, हाईएस्ट स्कोर दोस्तों यहाँ पर 72 रन का है, लोएस्ट स्कोर भी 72 रन का है, जो कि नामीबिया ऑल आउट हो गई थी कुछ ही दिन पहले। और फिर लोएस्ट स्कोर में स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 150 के नीचे 5 बार स्कोर बना है, 150 और 70 के बीच में 2 बार, और 170 और 90 के बीच में 1 बार। तो दोस्तों ये जो ग्राउंड है यहाँ पर थोड़ा लो स्कोरिंग मैच होता है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के यहाँ पर 2 मुकाबले हुए हैं वर्ल्ड कप पे इसके स्टैट्स के ऊपर। तो पिछला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया 9 विकेट से जीत कर आ रहा, ओमान 72 रन पर ऑल आउट हो गया था, आसानी से ऑस्ट्रेलिया टारगेट चेज कर लिया, फास्ट बॉलर को 7 विकेट मिली थी उसमें और स्पिनर्स को 4 विकेट। और उससे पहले ओमान 150 का टारगेट दिया था, और स्कॉटलैंड बहुत ही आसानी से 7 विकेट से दोस्तों मुकाबला जीत गया, जिसमें फास्ट बॉलर को 6 विकेट मिली थी, स्पिनर्स को 3 विकेट। अब पेस वर्सेस स्पिन रिकॉर्ड्स की बात करें तो टोटल यहां पर 2 मुकाबले जो रिसेंट में हुए हैं 13 विकेट मिली फास्ट बॉलर को और स्पिनर्स को 7 विकेट, मतलब यहां पर फास्ट बॉलर के साथ साथ स्पिनर्स को भी मदद मिल रही है दोस्तों। फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को 10 विकेट मिली और स्पिनर्स को 6 विकेट, सेकेंड इनिंग में मात्र 3 विकेट मिली फास्ट बॉलर को और स्पिनर्स को 1 विकेट। तो इसे देखकर यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि केवल फर्स्ट इनिंग में ही दोस्तों विकेट गिर रही है, तो जो भी टीम दोस्तों पहले इनिंग में बॉलिंग कराएगी उनके आपको बॉलर्स पर ज्यादा फोकस करना है। अब इसके बाद दोस्तों डायरेक्ट आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगी प्लेइंग 11 इस मुकाबले में इंग्लैंड टीम की। तो इधर से आपको ओपनिंग करते हुए फिलिप सॉल्ट के साथ जॉस बटलर दिखेंगे, फिर विल जैक, जॉनी बेरेस्टो, हैरी ब्रुक, लियाम लिविंगस्टन, मोहन अली, क्रिस जॉर्डन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद और रे स्टोपली। प्लेइंग 11 रही रहेगी क्योंकि ओमान उतनी कमजोर मतलब मजबूत टीम नहीं है। पावर प्ले में जोफ्रा आर्चर, मोहन अली बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे, और आखिरी ओवर में क्रिस जॉर्डन और जोफ्रा आर्चर। अब दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो उससे पहले मैं आप सभी को बोल दूं कि जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं, लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फटाफट से जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी। तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, आप भी फटाफट से जुड़ जाइए, और मैं आप लोग से ज्यादा कुछ नहीं मांगता, बस दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे लिए इतना ही काफी है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर इंग्लैंड टीम की सारे दोस्तों प्लेयर्स की रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले बात करें ओपनर्स की, तो फिलिप सॉल्ट तो अच्छे फॉर्म में हैं ही, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा इस मुकाबले में इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स पर ज्यादा फोकस करने के लिए और इनके बॉलर्स पर, क्योंकि ओमान दोस्तों जहां तक मुझे लग रहा है कि इस मुकाबले में आसानी से तो हार नहीं मानेगी, लेकिन फिर भी इंग्लैंड का जीतने का ज्यादा चांसेस है। तो दोस्तों फिलिप सॉल्ट पिछले मुकाबले में 37 रन की पारी खेले थे और उससे पहले 45 रन की, मतलब इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर तो अच्छे फॉर्म में है लेकिन दोस्तों इंग्लैंड फिर भी हार रही है। फिलिप सॉल्ट रिसेंट में देख सकते हैं अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं आईपीएल में, जॉस बटलर भी आईपीएल में 200 शतक लगाते हुए आ रहे हैं, पिछले मुकाबले में 42 रन और उससे पहले 39 रन। तो इंग्लैंड के दोनों ओपनर्स जॉस बटलर और फिलिप सॉल्ट बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं, तो इनको आपको लेकर चलना है। विल जैक की बात करें तो विल जैक पिछले दोनों मुकाबले में कुछ खास नहीं किए हैं, पिछले मुकाबले में तो 10 रन 0 विकेट और उससे पहले 20 रन, रिसेंट में दोस्तों 100 रन फिर 55 रन, बहुत ही अच्छी पारी खेले हैं आईपीएल में। तो दोस्तों विल जैक भी इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर पर आपको ज्यादा फोकस करना है। अब बात आ जाती है दोस्तों मिडिल ऑर्डर से, जैसे जॉनी बेरेस्टो हो गए, और तो दोस्तों जॉनी बेरेस्टो पिछले मुकाबले में फ्लॉप हो गए थे लेकिन उससे पहले 28 रन की पारी खेले थे। तो अगर आप लोग विल जैक को ले रहे हैं तो फिर दोस्तों जॉनी बेरेस्टो को ड्रॉप कर दीजिएगा। दोनों का दोस्तों परफॉर्मेंस देखा जाए तो दोस्तों रिसेंट में अच्छा है, शतक लगाए हैं दोस्तों जॉनी बेरेस्टो भी आईपीएल में, और रिसेंट में देख सकते हैं 46 रन फिर 27 रन की भी पारी खेले हैं। अब मोहन अली की बात करें तो मोहन अली अच्छे फॉर्म में है, पिछले मुकाबले में 25 रन 1 विकेट और उससे पहले 1 विकेट,
अगर मोहिन अली बॉलिंग नहीं कराते तो मैं आपको नहीं बोलता लेने के लिए, लेकिन दोस्तों मोहिन अली बॉलिंग करा रहे हैं इसलिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मोहिन अली को आप लोग स्मॉल लीग में और ग्रैंड लीग में भी ले सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद बात कर लेते हैं लो ऑर्डर से, जैसे हैरी ब्रूक हो गए। तो हैरी ब्रूक का दोस्तों परफॉर्मेंस पिछले मुकाबले में भी अच्छा था और उससे पहले भी अच्छा था। 20 रन पिछले मुकाबले में नॉट आउट और उससे पहले 17 रन नॉट आउट। तो दोस्तों अगर टॉप ऑर्डर अच्छा परफॉर्मेंस कर जाता है तो फिर हैरी ब्रूक को चांसेस नहीं है मिलेगा बैटिंग, इसीलिए दोस्तों इनको आप लोग केवल मेगा ग्राइंडिंग में लीजिएगा, केवल इंग्लैंड की टीम टॉस हारती है तब। अब लियाम लिमिस्टन की बात करें तो दोस्तों लियाम लिमिस्टन भी अच्छे फॉर्म में है, पिछले मुकाबले में 15 रन 1 विकेट और उससे पहले 2 विकेट। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि इंग्लैंड के ज्यादातर प्लेयर्स अच्छे फॉर्म में है, फिर भी दोस्तों इनकी टीम हार रही है। इनका रीजन दोस्तों पता नहीं, थोड़े से बॉलर महंगे साबित हो जा रहे हैं। क्रिस जॉर्डन की बात करें, 2 विकेट मिला पिछले मुकाबले में, जोफ्रा आर्चर को 1 विकेट, आदिल रशीद को 1 विकेट और मार्क हुड को 1 भी विकेट नहीं। तो दोस्तों अब बॉलर्स की बात करें तो अगर इंग्लैंड की टीम टॉस जीत जाते हैं तो इनमें से आपको 3 बॉलर को तो लेकर चलना ही है, सेफ ऑप्शन रहेंगे दोस्तों यहाँ पर आप लोग के लिए इस मुकाबले में जोफ्रा आर्चर और क्रिस जॉर्डन। इन दोनों को दोस्तों आपको अपनी टीम में रखना है क्योंकि ये दोनों कंटिन्यूअस विकेट लेते हुए आ रहे हैं। आदिल राशिद और मार्क हुड की बात करें तो दोनों में से आप एक को जरूर रखिएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर पिच रिपोर्ट जैसे आती है, स्पिनर्स को थोड़ा बहुत मदद मिलता है तो आदिल राशिद इंपॉर्टेंट रहेंगे। रिसेंट में दोनों का परफॉर्मेंस ठीक ही ठाक है, कंटिन्यूअस विकेट नहीं लिए हैं लेकिन जब भी विकेट लिए हैं 4 विकेट 2 विकेट, फिर इधर से भी 4 विकेट 2 विकेट, गुच्छे में विकेट लिए हैं। तो ये हो गए दोस्तों यहाँ पर इंग्लैंड टीम के सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म, और जो प्लेयर बेंच पर बैठे हैं उनका भी रिकॉर्ड मैंने यहाँ पर लिख रखा है, देख सकते हैं, बेन डकेट, सैम करन, रे स्टोकली। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर आगे ओमान की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो इधर से आपको प्रतीक ओपनिंग करते हुए दिखेंगे नसीम खुशी के साथ, फिर दोस्तों इलियास आकिब इलियास, फिर दोस्तों यहाँ पर जिहन मकसूद, उसके बाद यहाँ पर खदील कली, फिर छठे नंबर पर आयन खान आएंगे, फिर मेहरन खान आएंगे, फिर रफीउल्ला, फिर शकील अहमद, फिर खमीउल्ला, फिर उसके बाद बिलाल खान। तो ओमान की बात करें तो जहां तक मुझे लग रहा है कि सेम कॉम्बिनेशन हो सकता है और एक दो बदलाव होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। इधर से आपको बिलाल खान, फिर खमीउल्ला, फिर यहां पर दोस्तों शकील अहमद बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे पावर प्ले में, और आखिरी ओवर में बिलाल खान और खमीउल्ला। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों ओमान के सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले बात की जाए दोस्तों यहाँ पर ओपनर्स की, तो ओपनर का अगर आप लोग परफॉर्मेंस देखेंगे तो प्रतीक पिछले मुकाबले में 54 रन की पारी खेले हैं और दोस्तों अच्छे फॉर्म में है, अभी तक 2 मुकाबले खेले हैं, 1 मुकाबले में तो दोस्तों फ्लॉप हो गए थे लेकिन पिछले मुकाबले में 54 रन की पारी खेले हैं, लेकिन इनको बहुत ही कम लोग लिए हैं। तो ये दोस्तों आप लोग के लिए मेगा ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आप लोग ग्रैंड लीग में इनको जरूर लीजिएगा। नसीम खुशी की बात करें तो दोस्तों पिछले दोनों मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं और रिसेंट में भी लगातार फ्लॉप होते आ रहे हैं, और ज्यादा पहले का मैचेस देखिएगा तो अच्छा फॉर्म में दिखे हैं, 69 रन 39 रन 49 रन, लेकिन वो छोटी मोटी टीम के खिलाफ इनका रिकॉर्ड है, इंग्लैंड जैसे बड़ी टीम के खिलाफ रिकॉर्ड नहीं है। तो दोस्तों नसीम खुशी की बात करें तो इस मुकाबले में फ्लॉप होने का चांसेस भी बहुत ही ज्यादा है, जैसे मैंने विराट कोहली के बारे में बताया था ये भी फ्लॉप हो सकते हैं। अब दोस्तों मिडल ऑर्डर से बात करें आकिब इलियास की, तो पिछले मुकाबले में 16 रन 1 विकेट, फिर 18 रन, तो ये दोस्तों इस मुकाबले के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों करा रहे हैं। फिर यहाँ पर जसीन मकसूद की बात करें तो दोस्तों ये भी फ्लॉप हो रहे हैं, देख सकते हैं बैटिंग से बॉलिंग से, तो इनको आपको केवल ग्रैंड लीग की टीम में लेना है क्योंकि यहाँ पर ये फ्लॉप हो रहे हैं। और ज्यादातर दोस्तों यहाँ पर आपको इंग्लैंड के प्लेयर्स पर ही फोकस करना है। ओमान की तरफ से बात करें तो टॉप ऑर्डर से प्रतीक थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, फिर यहाँ पर आकिब इलियास, फिर दोस्तों यहाँ पर बात करें खलील कली की, तो खलील कली भी दोस्तों फ्लॉप हो रहे हैं पिछले दोनों मुकाबले में, तो इन पर भी आपको फोकस नहीं करना है। फिर दोस्तों आयान खान की बात करें तो आयान खान थोड़े बहुत ठीक ठाक फॉर्म में है, 40 रन एक, मतलब इनको विकेट नहीं मिला था लेकिन उससे पहले 36 रन। तो दोस्तों बैटिंग सेक्शन से बात करें तो आपको 2 यहां पर प्लेयर्स पर फोकस करना है, आकिब इलियास के ऊपर, फिर आयान खान के ऊपर, बाकी सारे प्लेयर्स को आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं। और ग्रैंड लीग में दोस्तों प्रतीक आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब दोस्तों नीचे से बात करें तो यहाँ पर मेहरन खान बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, पिछले मुकाबले में 13 रन 1 विकेट, उससे पहले 27 रन 2 विकेट, फिर 3 विकेट। तो ओवरऑल मेहरन खान का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, और अगर ओमान की टीम टॉस जीतती है तो इनको आप लोग वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं। अब दोस्तों नीचे से बात करें तो रफीउल्ला का अगर आप लोग रिकॉर्ड निकाल कर देखिएगा तो रफीउल्ला बहुत ही बुरे फॉर्म में है, पिछले 3-4 मुकाबले से इनका कुछ रिकॉर्ड रहा नहीं है, तो इनको आपको नहीं लेना है। फिर शकील अहमद की बात करें तो पिछले 4 मुकाबले से इनको विकेट नहीं मिला है, तो यहाँ पर शकील अहमद भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। खमीउल्ला को भी दोस्तों विकेट नहीं मिला है तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। बॉलिंग से आप लोग बिलाल खान को ले सकते हैं जो कि रिसेंट में हर मुकाबले में मिनिमम तो 1 विकेट तो ले ही रहे हैं।
तो दोस्तों अगर आप लोग ओमान की तरफ से बात करें तो आकिब इलियास इंपॉर्टेंट रहेंगे, फिर आयान खान इंपॉर्टेंट रहेंगे, फिर मेहरान खान इंपॉर्टेंट रहेंगे, बॉलिंग से यहाँ पर बिलाल खान थे। इन चार प्लेयर्स पर आपको केवल फोकस करना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर प्रजापति, इनका भी रिकॉर्ड लिख रखा है, बहुत ही बुरे फॉर्म में है। फिर यहाँ पर सोहेब खान। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर हमारी फाइनल टीम इस मुकाबले के लिए, और जो हमारे कप्तान रहेंगे सभी लोग दोस्तों जॉस बटलर को बना रहे हैं, लेकिन जो हमारे कप्तान रहेंगे वो दोस्तों फिलिप सॉल्ट रहेंगे, क्योंकि रिसेंट में फिलिप सॉल्ट आईपीएल में तो अच्छा परफॉर्मेंस किए ही है, जॉस बटलर भी किए हैं, लेकिन थोड़ा सा यूनिक यहाँ पर फिलिप सॉल्ट रहेंगे। वाइस कैप्टन मेरे हिसाब से जोफ्रा आर्चर रहेंगे, क्योंकि जहां तक तो मुझे लग रहा है कि इस मुकाबले में ओमान की टीम 100 से नीचे रन आउट हो सकती है अगर इंग्लैंड की टीम पहले बॉलिंग कराती है तो, और अगर इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करती है तो 150, 170, 180 का भी दोस्तों टारगेट यहाँ पर दिया जा सकता है। बैटिंग सेक्शन से विल जैक को मैंने लिया और यहाँ पर एक खान को मैं ले रहा हूँ। विल जैक मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि पिछले मुकाबले में बॉलिंग कराए थे। ऑलराउंडर सेक्शन से यहाँ पर एम खान, फिर दोस्तों यहाँ पर इलियास को मैंने ले रहा हूँ, फिर यहाँ पर दोस्तों मोहिन अली को। तो मोहिन अली इंपॉर्टेंट इसलिए रहेंगे क्योंकि जरूरत पड़ने पर टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी कर सकते हैं, जो कि किए भी हैं और बॉलिंग कराएंगे। फिर इधर से जोफ्रा आर्चर, मार्क हुड और यहाँ पर क्रिस जोर्डन और बिलाल खान को मैंने लिया है। तो जो जो प्लेयर्स के बारे में मैंने आपको बताया था दोस्तों ओमान की तरफ से, केवल वही चार प्लेयर्स को मैंने यहाँ पर लिया है, बाकी दोस्तों यहाँ पर हमारे 7 प्लेयर रहेंगे इंग्लैंड की तरफ से। और ये जो मेरी पूरी टीम है दोस्तों इंग्लैंड को सपोर्ट करते हुए, क्योंकि इंग्लैंड बड़ी टीम है, छोटी टीम के खिलाफ आसानी से नहीं हार मानेगी, इसलिए दोस्तों मैंने इंग्लैंड की तरफ से केवल टॉप ऑर्डर पर फोकस किया है और इनके सारे बॉलर्स को मैंने ले लिया है। और आप लोग मार्क हुड की जगह पर आदिल राशिद को भी ले सकते हैं। अब बात आ जाती है दोस्तों यहाँ पर, अगर आप लोग फिलिप सॉल्ट को कैप्टन नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों मार्क हुड को आप लोग कैप्टन कर सकते हैं। मेगा ग्रैंडली के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, तो दोस्तों इनको बहुत ही कम लोग कैप्टन किए हैं। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड कप में इनको विकेट नहीं मिला है, मिला है, लेकिन पिछले मुकाबले में विकेट लेस रहे थे, तो ये दोस्तों ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और विल जैक दोस्तों ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे फॉर्म में तो नहीं है लेकिन आईपीएल में अच्छे फॉर्म में थे। तो बाकी दोस्तों ये रहेगी हमारी यहाँ पर फाइनल टीम कॉम्बिनेशन, और टेलीग्राम पर आप सभी लोग फटाफट से जुड़ जाइएगा। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।